दोस्तों, एक फिल्म को सफल बनाने में जितना उसकी मुख्य स्टारकास्ट का हाथ होता है, उससे कहीं ज्यादा फिल्म में सपोर्टिंग रोल में नजर आए कॉमेडियन अभिनेताओं का होता है, जो अपनी कॉमिक टाइमिंग से फिल्म को लाजवाब बनाते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही नियम हमारे साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों का भी है, जिसमें सपोर्टिंग रोल में नजर आए अभिनेता चुटकी सी कॉमेडी से फिल्म को लाजवाब बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, साउथ की फिल्मों में कॉमेडी किरदार निभाकर फिल्म को चटपटा बनाने वाले कलाकारों के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, पर शायद ही आप उनके पार्टनर के बारे में जानते होंगे। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको उन कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू करवाएंगे। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक नजर डालते हैं और जानते हैं उन सितारों की वाइफ के बारे में। नंबर वन, सुनील। अभिनेता सुनील वही हैं जिन्होंने मास जैसी कई फिल्मों में अपनी दमदार कॉमेडी से सभी का दिल जीत लिया था। लेकिन अगर बात करें अभिनेता सुनील की वाइफ के बारे में, तो इनकी वाइफ का नाम श्रुति इंद्र कुमारी है, जिनसे इन्होंने साल 2012 में शादी रचाई थी और आज उन्हीं के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं, जिनकी ये तस्वीरें सब बयां कर रही हैं कि दोनों के बीच कितना प्यार है। नंबर टू, मोटा राजेंद्रन। साउथ की ज्यादातर फिल्मों में विलन की भूमिका अदा करने वाले अभिनेता मोटा राजेंद्र ने एक से बढ़कर एक कॉमेडी से भरपूर फिल्में दी हैं। लेकिन अगर बात करें मोटा राजेंद्र की वाइफ के बारे में, तो इनकी वाइफ का नाम नालिनी नैयर है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और अक्सर मोटा राजेंद्रन के साथ रोमांटिक पिक्स खिंचवाते हुए नजर आती है। नंबर थ्री, पोशानी कृष्ण मुखर्जी। अभिनेता पोशानी कृष्ण मुखर्जी ने यूं तो साउथ इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्मों में कॉमेडी किरदार निभाए हैं, मगर इनकी नैनोका दिन फिल्म की बात ही कुछ अलग थी, जिसमें इन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से सभी का दिल चुरा लिया था। लेकिन अगर बात करें अभिनेता पोशानी कृष्ण मुखर्जी की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम कुसुमलता है, जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले शादी की थी और आज एक गृहिणी के तौर पर इनकी पत्नी घर को बखूबी संभालती हैं, जिन्हें लाइमलाइट की चकाचौंध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर फोर, ब्रह्मानंदम। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में बात करते हैं साउथ की फिल्मों में अपनी कॉमेडी से फिल्म को यादगार बनाने वाले अभिनेता ब्रह्मानंदम की पत्नी के बारे में। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी कनगंती है, जो कि पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं और इस प्रोफेशन से खूब पैसा कमा चुकी हैं। और आज इस दंपति के दो प्यारे प्यारे बेटे भी हैं, जिनका नाम राजा गौतम कनगंती और कनगंती है, जिनके साथ आज ये खुशहाल जीवन बिता रही हैं। नंबर फाइव, अली बादशाह। रेस गुर्रम सुपर बॉस न जाने कितनी फिल्मों में अभिनेता अली बादशाह ने अपनी कॉमेडी अंदाज से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया है। लेकिन अगर बात करें इनकी पार्टनर के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम जुबेदा सुल्तान बेगम है, जिनसे इन्होंने साल 1994 में शादी रचाई थी और आज शादी से इन्हें तीन बच्चों का आशीर्वाद मिला है, जिनमें एक बेटे मोहम्मद अब्दुल सुभान और दो बेटियां जुबेरिया मीठी और फातिमा, जिनमें अभी इनके तीनों बच्चे काफी छोटे हैं और लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको साउथ की कॉमेडियन में से किसकी वाइफ सबसे ज्यादा सुंदर लगी, आप हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।